किसी का है तो द्रविड़ियन का है, आदिवासियों का है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने उद्धव ठाकरे, पीएम मोदी, अमित शाह पर जमकर हमला बोला। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ओवैसी ने ऐसा क्यों कहा कि भारत न मेरा है, न मोदी का है और न ही उद्धव ठाकरे का है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित किया जिसमें उन्होंने मुगलों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में पूछा कि मालूम है आपको कि भारत किसका है? भारत ना तो मेरा है, ना तो मोदी का है और ना ही शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वो द्रविड़ों का है, आदिवासियों का है। ओवैसी ने कहा कि भारत तब बना जब यहाँ लोग अफ्रीका, ईरान, सेंट्रल एशिया, पूर्वी एशिया से आए, ये सब आए तब जाकर भारत बना, लेकिन आदिवासी यहीं के हैं, द्रविड़ यहीं के हैं, आर्य 4000 साल पहले यहाँ आए थे। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविड़ियन का है, आदिवासियों का है। द्रविड़ियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ, तो चार लोग आए थे माइग्रेशन हुआ, ये मुसद्दे था आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आ रहा है तो मोगल आए। अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे, ये सब मिले तो भारत बना, मगर आदिवासी यहां का है, द्रविड़ियन यहां का है, ये आर्यन आए थे 4000 साल पहले। वहीं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान पर सांसद राकेश सिन्हा ने पलटवार किया और कहा कि सरकार की हर योजना का लाभ सभी लोगों तक मिलता है, उनसे उनका धर्म पूछकर उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जाता। भारत के मुसलमान हमारे पूर्वजों की संतान हैं। कुछ लोग हिंदू फोबिया, मोदी फोबिया के नाम पर एक काल्पनिक शत्रु पैदा करना चाहते हैं। जब मैं खिलजी की आलोचना करता हूँ तो वो भारत के मुसलमानों की आलोचना नहीं होती, मैं आक्रमणकारी और आतंकवादी मुगल मुसलमानों की आलोचना करता हूँ। इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी रैली में कहा कि देश में बेरोजगारी, महंगाई की बात कोई नहीं करता, आज मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस ने देश में झूठ फैलाया। क्या भारत की तारीख मुगलों से शुरू हुई थी? कश्मीर में एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर दी गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संजय राउत के लिए शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले जाते हैं, लेकिन नवाब मलिक के लिए वो कुछ भी नहीं बोलते। नवाब मलिक के लिए शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से क्यों मुलाकात नहीं करते? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी पार्टी के लोग सोचते हैं कि वो सेकुलर हैं, उनके लिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जेल जाता है तो ये ठीक है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।